वंदित पाद पद्मम लोके जरार भय मृत्युनाशम दातार मीशम विविधौषधीनां शंखम चक्रम चलोकां दधतम रुद्रघटम चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग यह पांच भौतिक चिकित्सा का जो क्लास है वह शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो है पांच भौतिक सिद्धांत में प्रमेह व्याधि और उसका पांच भौतिक से दृष्टिकोण में क्या बताया है, तो यह हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मुझे बस दो मिनट में सबको म्यूट करने दीजिए क्योंकि घर की आवाज लेके सब लोग आते हैं। थोड़ा दो मिनट डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। फिर हम लोग अब पांच भौतिक का पढ़ेंगे और मैं दो तीन लोगों को ये बना देता हूँ, को होस्ट बना देता हूँ ताकि सब लोग अच्छे से मतलब ये सुचारू रूप से चल सके सेशन। एक मिनट बस रुक जाइए। हाँ अभी मैं अभी शुरू करता हूँ पांच भौतिक के हिसाब से प्रमेह व्याधि। हम लोगों ने प्रमेह व्याधि सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है, माधव निदान में भी पढ़ा है। तो आज वही चीज हम लोग विस्तार से पांच भौतिक के दृष्टिकोण से देखेंगे और यह आप लोगों को काम आएगा। पांच भौतिक का दवाइयां आप दीजिए वो तो अलग बात है, लेकिन आपको सिद्धांत समझ आना चाहिए। अब आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हिंदी में है लेकिन ओरिजिनल ये मराठी में है, जो भी बताया गया है सब मराठी में, इसका हिंदी ट्रांसलेटेड है। तो आप देखिए प्रमेह के व्याधि अगर हम लोग देखते हैं, प्रमेह व्याधि जो है वो चीरकारी व्याधि, बहुत ही क्रॉनिक स्वरूप में प्रमेह व्याधि होता है। व्याधि में संप्राप्ति के अनुसार दातार शास्त्री जी ने अलिखित तीन भेद बताए हैं। तीन भेद क्या होते हैं वह हम लोग आगे देखेंगे। प्रमेह ज्यादातर हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि संतर्पण जन्य होता है जिसमें बहुद्रव्य श्लेष्मा वृद्धि हो जाती है। दूसरा होता है अपतर्पण जन्य, जो बुद्धिवादी लोगों को हो जाता है, अपतर्पण ज्यादा अगर हो जाए तो इसमें वात का चल गुण बढ़ जाता है। ये एक होता है जो अपतर्पण जन्य, जो स्ट्रेस रिलेटेड रहता है अपतर्पण जन्य, वात का चल गुण बढ़ जाता है। और तीसरा भेद जो बताया है उन्होंने, बद्ध कोष्ठ जन्य, जिनको पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके बॉडी में हीट बढ़ जाता है, उष्णता बढ़ जाती है और वह अपतर्पण करता है, मतलब अग्नि और वायु आकाश ये बढ़ जाता है और हीट इतना ज्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से प्रमेह व्याधि हो जाती है। अब मराठी में तो बोला है कि प्रमेह व्याधि से लेके मधुमेह तक कैसी संप्राप्ति होती है और मधुमेह में किस तरह से चिकित्सा करना चाहिए वह मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले जो हिंदी वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे और डिटेल में जाएंगे। संतर्पण जन्य प्रमेह जो रहता है, जहां पे अति कफ वर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है और दूध का सेवन ज्यादा किया जाता है, दूध भी अभिसंधि है, आजकल गाय वगैरह को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके और दूध किया जाता है, दही का सेवन ज्यादा होता है, अति अति प्रमाण में दूध का सेवन। आजकल बच्चों को भी क्या किया जाता है कि बॉर्नविटा हॉर्लिक्स डाल के
इतना अभिसंधि बना के दूध दिया जाता है, और उतना बच्चों का, पहले के जमाने में बच्चे कैसे प्लेग्राउंड में खेलते रहते थे, आजकल क्या है, लैपटॉप का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, बच्चे उतना आउटडोर गेम्स खेलते नहीं है और दूध इतना ज्यादा पीते हैं, तो उनको भी बाद में कुछ समय के बाद में संतर्पण जन्य प्रमेह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दही का सेवन जो है, दही तो खुद ही अभिसंधि है, अगर सुबह दोपहर शाम रात और हर सीजन में खाया जा रहा है तो उसके वजह से भी संतर्पण जन्य प्रमेह हो जाता है। इसी तरह से गुड़ का सेवन ज्यादा करना, गुड़ कभी खाए तो ठीक है, लेकिन रोज रोज जो गुड़ खाते हैं या गुड़ युक्त पदार्थों का अति सेवन करते हैं, अति प्रमाण में अप्रमाण खाना, मतलब हमें मालूम नहीं है कि हमारे कोष्ठ में कितना, मतलब इंसान को मालूम नहीं है कि वो कितना खा सकता है लेकिन वो खा रहे हैं। शादी ब्याह में लोग जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, खाना टेस्टी मिलता है तो वो अति प्रमाण में खाते हैं, और ऐसा अगर रोज रोज खाया जाए, रोज रोज खाया जाए, तो ये अप्रमाण में जितना जरूरत है उससे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यह भी कफ को बढ़ाता है और अग्नि को दूषित करता है। निष्क्रिय बैठना, बिना कुछ काम करते हुए सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बिताना, क्योंकि आज के जमाने में लोगों के पास पैसा बहुत है तो फिजिकल वर्क कम है और मेंटल वर्क ज्यादा है, और उसमें भी लोग क्या है कि थक जाते हैं थोड़ा भी काम करेंगे तो निष्क्रिय बैठना यह भी प्रमेह का कारण है। आज तो बहुत ज्यादा ये डायबिटीज, मधुमेह और प्रमेह ये सब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी तरह से अति निद्रा, खाना खाने के बाद दोपहर में लोगों को सोने की आदत होती है, खाना खाते ही मधुर अवस्था पाक शुरू होता है, ना तो तंद्रा आती है, ब्लड सर्कुलेशन सारा पेट में जाता है, तो क्या होता है अपने आप एक अन्न का नशा चढ़ता है और लोग ना उस समय खराटे मार के सो जाते हैं, तो यह विरुद्ध है। ये सुबह सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बीच में अगर 2 मिनट भी अगर कोई सोता है तो वह दिवा स्वाप रहता है, और यहाँ पे अति निद्रा जो है ये शरीर को जितना जरूरत है उससे ज्यादा मात्रा में सोना यह प्रमेह का कारण होता है। अब ये क्वालिटेटिव है, इसको हम लोग सब्जेक्टिव पैरामीटर में मतलब देखते हैं, कंसिडर करते हैं, हर इंसान का काम कार्यशैली और उसके हिसाब से नींद का पैटर्न जो होता है वो कम ज्यादा हो सकता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इतना घंटा ही सोना चाहिए, क्योंकि तो कोई शारीरिक मेहनत ज्यादा करता है, कोई मानसिक मेहनत ज्यादा करता है, तो कितना देर सोना है वह पेशेंट टू पेशेंट, हर व्यक्ति पुरुषम पुरुषम वो चेंज करता है, डिपेंड करता है। इसी तरह से नवान्न पान, नया धान्य का सेवन करना, क्या होता है खेत से कट के आया गेहूं और चावल वगैरह कट के आया, तो उसमें पानी के तत्व रहते हैं, पार्थिवता और जलीय अंश ज्यादा रहता है, और वह अगर सेवन कर लिया जाए तो वह स्रोतोरोध करता है, जो जरूरत नहीं अग्नि को उपहत करता है, और उसके वजह से कफ वर्धक ये हो जाता है और उससे स्रोतोरोध होके प्रमेह हो जाता है। कभी भी नया धान्य तो खाना ही नहीं चाहिए, खाना है तो 1 साल पुराना गोडाउन में रखा हुआ वो चावल ले तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, तो ये बात हमें जरूर अपने पेशेंट लोग को बताना चाहिए। इसी तरह से मधुर रस का सेवन ज्यादा करना, अम्ल रस का सेवन ज्यादा करना, लवण का सेवन ज्यादा करना, आजकल चिप्स कुरकुरे फिर पापड़ और अचार और टोमेटो सॉस इन सब का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है, तो लवण रस, अम्ल रस और मीठा चीज ज्यादा खाना, पहले के जमाने में मिठाइयाँ बनती थी तो त्योहार में बनती थी, उसी टाइम पे लोग ज्यादा मीठा खाते थे, आजकल क्या है कि लोग बस पैसा है और हर समय कभी भी संडे हुआ उस दिन भी मीठा खाओ, कभी भी मीठा खाने का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया है, डेजर्ट्स तो रोज खाते लोग, आइसक्रीम तो रोज खाते, तो इससे क्या होता है कि वो उतना कैलोरीज हैवी कैलोरीज में खा रहे हैं, वो पचना तो चाहिए, पचेगा नहीं तो वो कफ को बढ़ेगा और फिर उसके बाद में लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया, इसके वजह से संतर्पण जन्य प्रमेह हो जाता है। फिर विरुद्ध अन्नपान, जैसे दूध और मछली, दूध और अल्कोहल, दूध और नमक, ऐसे बहुत सारे, दूध और नॉनवेज, दूध और अंडे, ये खाना ये विरुद्ध अन्न है उसका, या फिर मिक्स फ्रूट सैलेड खाना, सारे फ्रूट्स को मिक्स करके, या फिर मिल्क शेक लेना, ऐसे बहुत सारे विरुद्ध अन्नपान का सेवन किया जा रहा है, तो वह सब प्रमेह का हेतु है। फिर मल मूत्र का अवरोध करना, मल मूत्र का अवरोध करेंगे तो जो मल है जो टाइम पे निकल जाना चाहिए वो नहीं निकलेगा, फिर वो उधर ही संचित रहेगा, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्ब होके वहां पे स्रोतों की दुष्टि करेगा और टॉक्सिन से एक तरह से बॉडी में चलते रहेगा, और दूसरा क्या है वायु भी इसमें प्रतिलोमित हो जाता है, और वायु अगर प्रतिलोमित हो गया तो वह क्या करेगा कि कचरा जो है टॉक्सिन से वो पूरे बॉडी में फैला देगा, और उसके वजह से तो ये प्रमेह हो ही जाता है, और वायु ही मेन कारण है, कफ का व्याधि है लेकिन वायु ही सारे स्रोतों को दुष्ट करता है, जहां जहां कचरा लेके जाएगा, आम को ले जाएगा, मल को ले जाएगा, मूत्र को लेके जाएगा, अगर अवरोध किया है तो उससे प्रमेह का संप्राप्ति बनने में बहुत आसानी हो जाता है। संप्राप्ति में ऐसे बता रहे हैं कि कफ प्रधान आहार विहार का सेवन किया जाता है, शीत गुण की वृद्धि हो जाती है आमाशय में, शीत गुण
इसको हमेशा ध्यान रखिए, शीत गुण की वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी और आप महाभूत वृद्धि सर्व शरीर में संचार करने लगता है। आमाशय में अम्लावस्था अधिक हो जाती है तो यकृत का कार्य जो होता है वो मंद हो जाता है। ग्रहण स्थित अद्रव पित्त का सामर्थ्य भी कमी हो जाता है। यह द्रवीभूत पित्त नहीं है, अद्रव पित्त है, वह खाना पचाने में उतना सामर्थ्यवान नहीं है क्योंकि वह आमाशय में अम्लावस्था बहुत ज्यादा है, अम्ल धर्मिता ज्यादा है, मतलब पार्थिवता बहुत ज्यादा है और आप तत्व ज्यादा है, इसलिए वो पचा नहीं सकता है। इसी तरह से अम्ल और क्षार का जो संयोग होता है, कफ और पित्त, इसका संयोग जो होता है वो विकृत होने लगता है। यहाँ पे अम्लता जो है वह अम्ल धर्मियता, अम्लता नहीं बोलेंगे, अम्ल धर्मिता है वो कफ के वजह से, और क्षार जो है वह पित्त धर्मी है, इसका संयोग होता है। और जो नियमन करने वाला स्वादुपिंड है जिसको हम लोग पैंक्रियास बोलते हैं, उसका कार्य भी ठीक नहीं हो पाता है। अपाचित कफ की संचिति होती है, बहुत ज्यादा कफ संचित होता है, वह सर्व शरीर व्याप्त हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है, बड़ी द्रवता अपना कक्षा में प्रवेश करता है। इसके बाद में क्या होता है, अब ये संप्राप्ति है, अलग अलग जगह जाती है, मांस में, मेद में कोथ निर्माण करता है, सड़न निर्माण करता है। अगर कोथ निर्माण होने का प्रक्रिया शुरू हो गया तो मांस धातु और मेद धातु में जाएगा तो प्रमेह पीड़िका, डायबिटिक वुंड्स या विद्रधि उत्पन्न करेगा। अगर वो मूत्र मार्ग में चला गया तो आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, आविल मूत्रता मतलब गंदला यूरिन बहुत ज्यादा आता है और बहुमूत्रता आता है। अगर वो मल भाग मलाशय में संचित हो जाता है तो मलावरोध हो जाता है। ऐसे तीन जगह से संप्राप्ति जाती है। अब आप ये सोचिए कि एक तरह से बाढ़ आ गया है, शरीर में बाढ़ आ गया है, बहुत ज्यादा पानी हो गया है। अब वो पानी कहाँ कहाँ जा रहा है, गंगा नदी का पानी अगर बढ़ गया है, अभी टीवी में भी आप लोगों ने देखा है कि भागलपुर में, बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया है। अब वो पानी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ स्रोतों में जा रहे हैं, जहां जहां जाएगा वहां वहां कुछ ना कुछ दुष्परिणाम करेगा। तो प्रमेह पीड़िका करता है मांस धातु मेदो धातु में कोथ निर्मिति करके। दूसरा मूत्र मार्ग में जाता है तो प्रमेह करता है, मल भाग में जाता है तो मलावरोध करता है। उदर परीक्षण जो रहता है अगर उसमें हम देखते हैं तो यकृत में घनता होती है, प्लीहा में घनता होती है, वृक्कों में पीड़ना असहत्व होता है, जीवा में सामता होती है। जीवा जो है क्योंकि अग्निमंद हो गया है, साम बहुत ज्यादा, साम दोष बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, आम बोते हैं तो जीवा पूरा कोटेड ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें चिकित्सा सूत्र अगर देखेंगे तो आम कफ की चिकित्सा करना है। आम का मतलब है स आम, आम युक्त कफ है यहाँ पे, तो इसमें हम लोग को आम का पचन करना है, ऐसा हमेशा याद करना है, क्योंकि अम्ल धर्मी यह व्याधि है, इसमें क्षार धर्मी द्रव्यों का प्रयोग करना है जो वहां पे उष्ण और तीक्ष्ण के वायु तत्व, अग्नि तत्व और वायु अग्नि और आकाश तत्व को बढ़ाए, पृथ्वी और आपको सुखाए, इस तरह से क्षार धर्मी द्रव्यों का प्रयोग करना है, आम का पचन करना है। उसी तरह से दूसरा स्टेप है कि शरीर से अत्यधिक द्रवता का शोषण करना है और यथा योग्य रूपांतरण करना है। सार किट विभाजन अच्छे से होना चाहिए और सार किट, किट में पुरुष भी आते हैं, मूत्र भी आते हैं, स्वेद तीनों आते हैं, तो उसका सार भाग का ये मतलब यहाँ पे धातुअग्नि लेवल पे भी अग्नि जो है वो बहुत विकृत है, तो धातुअग्नि लेवल, भूताग्नि लेवल पे भी यहाँ पे सार किट विभाजन अच्छे से होना चाहिए, तभी जो अत्यधिक द्रवता है, जिस तरह से बाढ़ आ गई है तो उसका पानी जो है वह निकलना चाहिए, तभी वह धातुओं में शिथिलता दुर्बलता को नहीं करेगा। तो यहाँ पे सार किट विभाजन अच्छे से होना चाहिए तो यथा योग्य रूपांतरण होगा। दूसरा दीपन पाचन, अग्नि वायु और आकाश महाभूत प्रधान औषधियों का यहाँ पे योजना करनी है। कारण परंपरा का त्याग करना है। कारण परंपरा क्यों आ रही है कि वैसा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिया जा रहा है, वहां पे मतलब मीठा खाया जा रहा है, अम्ल रसात्मक, लवण रसात्मक अन्न का सेवन किया जा रहा है। दूसरा बात है कि वहां पे मतलब विहारात्मक भी वैसा फिजिकल वर्क नहीं किया जा रहा है, तो यह भी कारण परंपरा का पूरी तरह से त्याग करेंगे तभी चिकित्सा सफल होगी। केवल ऐसा नहीं है कि शुगर लेवल बढ़ गया है या फिर बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है तो डायूरेटिक दे दें, लैसिक्स दे दें और ये पेशेंट ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद बोलता है कि कारण परंपरा का हेतु को त्याग करना है, संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जनम, अगर कारण नहीं बंद करेंगे तो व्याधि कभी नहीं ठीक होगा। हम शुगर लेवल बढ़ा है तो हम लोग गुड़मार दे देंगे, गुड़ुची दे देंगे, तिक्त रसात्मक द्रव्य देंगे, शुगर कम हो जाएगा, नीम खाने के लिए देंगे, शुगर कम हो जाएगा, लेकिन वो व्याधि नहीं ठीक होगा। व्याधि को ठीक करना है तो उसको पूरी तरह से हेतु को बंद करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि शरीर अंतर्गत अवकाश में आकाश महाभूत की निर्मिति, आकाश नहीं है वहां पे, सब जगह स्रोत भरा हुआ है, पानी 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 पानी,
इतना ज्यादा भरा हुआ है। और हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि बद्धमेद, अबद्धमेद, कफ दोष, यह सब जो रहता है यह सब जाके विकृति करता है। और जितने भी जलीय धातु है, 10 जो जलीय धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र और ओज, लसिका, ये सब यहाँ पे दूषित हो जाते हैं। तो उन सबको ना वहां पे पानी पानी हो गया, जो एक्स्ट्रा पानी जमा हो गया, तो वो पानी क्या करता है कि आकाश महाभूत को पूरा कवर कर देता है। तो यहाँ पे अवकाश महाभूत की निर्मिति करना बहुत जरूरी है, तभी ये व्याधि ठीक हो पाएगी। अब औषधि कल्प अगर हम देखते हैं तो इसमें क्षारधर्मीय द्रव्य देना जरूरी होता है। क्षारधर्मीय मतलब जो उष्ण तीक्ष्ण रहे और अग्नि को प्रदीप्त करे, धातु अग्नि को प्रदीप्त करे, भूताग्नि को प्रदीप्त करे। तो लक्ष्मी नारायण रस है जो ज्वरग्न योग है, तो इसमें जो लक्ष्मी नारायण रस एक भाग, गिरिज है, गिरिज मतलब गैरिक, जब हम गिरिज देते हैं तो ये क्या करता है कि पूरा पानी को सोख लेता है। तो ये चार भाग डाला हुआ है, देखिए गिरिज कितना है, चार भाग डाला हुआ है। गिरिज जो रहता है इसमें हरिद्रा रहता है, और हरिद्रा और गैरिक दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये हल्दी भी पानी को सोखता है पूरा, और गैरिक भी पानी को सोखता है। और जो हरिद्रा है वो थोड़ा अम्लधर्मी है, उसमें अग्नि तत्व रहता है तो वो पानी को सुखाता है। और गिरिज जब देते हैं ना तो वो अग्नि का पाचन भी करता है, अग्नि से पाचन भी करते हैं, वहां पे जो क्लेद बहुत ज्यादा विकृत रूप में है। इस तरह से टंकन लाही है या टंकन क्षार है, यह भी क्षार धर्मी है, यह भी स्त्रोत्ररोध को दूर करता है, आम का पचन करता है, साम कफ को, या क्योंकि यहाँ पे साम कफ है, आम युक्त कफ है, तो उसको ये पूरी तरह से सुखाता है। उसी तरह से महामृत्युंजय रस जो है इसका 1/4 भाग देना है। यह सब योग एकत्रिक योग जो है विशेष उपयोगी है दिन में। अब इनका टाइम देखिए कितना बढ़िया है, जब कफ का काल शुरू हो रहा है और पित्त का काल शुरू और अंत हो रहा है तब देते हैं। तो सुबह 6 बजे कफ का काल शुरू होता है, 10 बजे कफ का काल एंड होता है, और पित्त का काल शुरू होता है दिन में 2 बजे पित्त का काल एंड होता है, और 6 बजे पित्त का काल, नहीं सॉरी फिर से मैं बोलता हूँ, दिन में 2 बजे कफ का काल, सॉरी सॉरी एक कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2 से 6 बजे तक तो वायु का काल होता है, 2 से 6 बजे तक। तो यहाँ पे 6 बजे देते हैं क्योंकि 6 बजे जो है, कौन अनम्यूट किया है, कृपया म्यूट रखिए, कृपया म्यूट रखिए। हाँ तो 2 से 6 बजे का वायु का काल रहता है, लेकिन कफ का काल कब शुरू हो जाता है, तो 6 बजे शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कफ का काल जब शुरू हो रहा है और पित्त का काल के उस टाइम पे मेडिसिन देना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। यहाँ पे कफ और पित्त को ध्यान में रखा हुआ है। तो दिन में 4 बार देते हैं गर्म पानी के साथ। व्याधि अवस्था जब कम हो जाती है तो सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे गर्म पानी के साथ देते हैं। तो ये अग्नि वायु आकाश महाभूत प्रधान कल्प है जो पृथ्वी और आप महाभूत का पाचन करते तथा अग्नि वर्धन करते हैं, यथा योग्य आकाश का अवकाश निर्माण करते हैं, ऐसा रहता है। लक्ष्मी नारायण रस जो है दीपन पाचन कार्य करता है। टंकन जो है आम कफ का रूपांतर करता है। गिरिज जो है वो द्रवता का शोषण करता है, क्योंकि गिरिज जो है ना वो हरिद्रा और गैरिक इन सब दोनों से कॉम्बिनेशन से बनता है। महामृत्युंजय जो रस है यह आंत्र गति का वर्धन करता है, मल का निस्तारण करता है, सार्किट विभाजन को अच्छा करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है उसको ये स्टिमुलेट करता है। दूसरा आता है जिंगी शारदी योग। जिंगी शारदी योग जो है ना ये क्या करता है, इसमें सारिवा और अनंता ये रहते हैं, ये सुबह शाम व्यानोदान काल में देते हैं, खाने के बाद गर्म पानी के साथ देते हैं। मेहनुत ये विशेष इसका कार्य बताया जिंगी शारदी योग का, या आम अविषनाशक है। कार्य रस धातु से शुरू होता है तथा अपाचित कफ का रक्त धातु पे हुआ असर को भी कम कर देता है, ऐसा रहता है। फिर है फल त्रिकादि कुकुल, 125 mg सुबह, 125 mg शाम को गर्म पानी के साथ देता है। यह शीत गुण का यकृत पे जो असर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शीत गुण बढ़ा हुआ है, पूरा पानी 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 हुआ है, तो शीत गुण का जो यकृत पे असर हुआ है उसको निकालने के लिए उपयुक्त होता है। यह यकृत का स्त्राव को बढ़ा देता है, मतलब यकृत को स्टिमुलेट करता है, शरीर में उष्णता देता है, फल त्रिकादि जो है वह उष्णता देता है, यकृत का स्त्राव बढ़ा देता है और पचन करने में मदद करता है। जिवेंद्र को योग रस ज्ञान होने तक और पचन कार्य उचित होने तक देना चाहिए। पटोलादि गोकुल जो है 125 mg सुबह, 125 mg शाम को, या 2 रत्ती 250 mg सुबह, 2 mg शाम को, खाना खाने के बाद व्यानोदान काल में दे, दोपहर का खाना या शाम का खाना,
ऐसे दें तो यह गर्म पानी संग देने से पटोल आदि को गुल देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह ज्वरग्नि योग है, यह क्या करता है, ज्वरग्नि योग जितने भी हैं पांचभौतिक में वह आम का पचन करते हैं, पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान आम है उसका पचन करते हैं। तो पटोल आदि से शुरू करना चाहिए, इससे रक्त रक्त मूत्र स्थित शर्करा प्राकृत आने में मदद होती है, क्योंकि आम ज्यादा अगर हो रहा है तो वह शुगर लेवल को, क्योंकि वो पचा हुआ नहीं है तो शुगर लेवल बढ़ता है, तो मूत्र से शर्करा प्राकृत आने में मदद होती है। ग्रगतुरुत का भी कार्य बेहतर होकर मल शुद्धि अच्छे से होती है। इसी तरह से मेद को निकालना है, क्लेद को निकालना है, तो पिपली, अब सारे क्षारधर्मी द्रव्य जो है जो गर्म है, पिपली, पिपली मूल, चित्रक मूल, शुंठी, श्वेत मरीच, इसका सम प्रमाण में मिश्रित चूर्ण का सर्व शरीर पे उद्वर्तन करना है। यह शरीर से आप्यांश का कम करता है, आप्यांश अम्ल होता है तो उसको क्षारधर्मी होने से यह द्रवता को कम कर देता है। क्षारधर्मी जब देते हैं तो भ्राजक पित्त का कार्य शुरू हो जाता है, भ्राजक पित्त जब जागृत हो जाएगा तो वहां पे जो क्लेद 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 है वह सबको सुखा देगा, इसलिए क्षारधर्मी द्रव्यों का उद्वर्तन करने के लिए बोला है। इसी तरह से रसोन सिद्ध नारियल तेल देने के लिए बोला है, तो शीत गुण को कम करने के लिए पाद तल में इस तेल का मर्दन करने से उष्णता बढ़ाने के लिए उपयुक्त होता है। तो जो लहसुन से सिद्ध क्या हुआ, लहसुन लहसुन जो होता है वो उष्ण होता है, और वो नारियल तेल में क्या है कि लहसुन को बैलेंस किया है, वहां पे उसका पादाभ्यंग करना है बहुत ज्यादा, पाद तल को अभ्यंग करने से उष्णता बढ़ती है और अग्नि तत्व तो बढ़ता है तो वह शीत गुण को कम कर देता है। यह पांचभौतिक है। इसी तरह से अपतर्पण जन्य प्रमेय, यह बुद्धिवादी लोगों को जिनको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है उनमें यह प्रमेय अपतर्पण जन्य होता है। संप्राप्ति देखेंगे तो मस्तिष्क रूपी अवकाश में वात वृद्धि हो जाती है, मस्तिष्क में वात वृद्धि हो गई, पृथ्वी और आप महाभूत का क्षय हो जाता है, ड्राइनेस आने लगता है बहुत ज्यादा, आर्द्रता कम हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि सेरेब्रल एट्रोफी के पेशेंट जो होते हैं उनका हिस्ट्री में रहता है कि काम शोक भयाद्वेष, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, काम में रहते हैं, बहुत ज्यादा भय में रहते हैं, तो उनका स्नेहांश कम होते रहते हैं। या आईटी सेक्टर में लोग जो रहते हैं जहां पर भी बहुत ज्यादा वात वृद्धि हो रही है, बहुत ज्यादा बुद्धि इंद्रिय का उपयोग हो रहा है, वहां पे अपने आप पृथ्वी और आप महाभूत का क्षय होने लगा। वर्धित वायु का यकृत पे आघात होता है, आंत्र पर भी असर होता है, रुक्षता बढ़ जाती है इंटेस्टाइन में भी, और इसकी वजह से मल का वटक ऐसे गांठ गांठ बनने लगते हैं, मल का ऐसे पत्थर टाइप बनने लगता है, पाचन संस्थान कार्य कम होता है और ये मधुमेह हो जाते हैं। तो इसमें चिकित्सा क्या करना है, तो वसंत कुसुमाकर रस ब्रिहण का कार्य करता है, क्योंकि अपतर्पण जन्य है तो ब्रिहण का कार्य करता है, तो 60 mg सुबह 60 mg शाम को स्वप्न काल में कोष्ण घृत के साथ देना है। वसंत कुसुमाकर रस भले अच्छा बढ़िया दवाई है लेकिन यहाँ पे दीपन पाचन का पहले करना चाहिए, दीपन पाचन करके ही वसंत कुसुमाकर देना चाहिए। कोई भी स्वर्णकल्प भी ऐसे भी दे रहे हैं हम लोग, अगर वो पचेगा नहीं और ज्यादा डोज में दिया, अब यहाँ पर देखिए 60 mg दिया है, एक रत्ती का हाफ दिया है, 60 mg इतना ही दिया है, सुबह दिया है और रात्रि में स्वप्न काल में गर्म घी के साथ दिया है, क्योंकि कोष्ण घृत के साथ नहीं देंगे तो ये रुक्षता को बढ़ाएगा, घृत के साथ देना जरूर है, कोष्ण घृत होना चाहिए, घी भी पचना चाहिए इसलिए वो थोड़ा पाचन में इजी जाए, और घी के साथ नहीं तो वसंत कुसुमाकर से रुक्षता और बढ़ सकती है। तो बुद्धि इंद्रिय पे अधिक तनाव आकर जब अपतर्पण जन्य प्रमेय होता है तो यह कल्प शारीरिक मानसिक संतर्पण के लिए विशेष उपयुक्त होते हैं। बुद्धिन्द्रिय चिकित्सा होने के बाद बड़ी प्रमेय की चिकित्सा ज्वरग्नि जैसे कल्प से कर सकते हैं। अब इसमें भेद में एक टेबल बताएं, संतर्पण जन्य प्रमेय जो होता है और अपतर्पण जन्य प्रमेय जो होता है। संतर्पण जन्य प्रमेय जो होता है संप्राप्ति शाखा से शुरू होके मूल यानी सिर तक जाती है, उत्पत्ति पार्थिव स्थूल शरीर में हो जाती है, गुण इसकी स्थूलता ऐसा रहता है, इंसान मोटा रहता है, स्थूल रहता है, भले वो दुर्बल हो लेकिन वो स्थूल रहता है। और पार्थिव स्थूल पार्थिवता जो है स्थूल शरीर में ये होती है संतर्पण जन्य, ज्यादा ओवर ईटिंग करने से और सेडेंटरी लाइफस्टाइल करने से। और अपतर्पण जन्य प्रमेय संप्राप्ति ज्ञान इंद्र बुद्धि तथा मस्तिष्क में शुरू होकर शाखागामी हो जाती है, इसकी उत्पत्ति आकाश के अवकाश में होती है, गुण लघुता इस तरह से होता है। तो चिकित्सा भी इसके विरोधी देना चाहिए, अपोजिट वाला चिकित्सा देना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ, आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं थोड़ा आप लोग को दे। कंचन मैम, आपके पास संतर्पण जन्य पेशेंट आते हैं तो आप क्या सोचती हैं, क्या हेतु मिलता है? कंचन मैम सुन पा रही हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए सर। दोनों टाइप के पेशेंट देखे हैं, जैसे आप अपतर्पण वाला भी और संतर्पण वाला भी। तो संतर्पण में तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे पेशेंट दिखते हैं कि
जिन्हें बहुत ज्यादा आलस करने की आदत है, लेटे लेटे रहते रहे बहुत दिन भर, जैसे घर घर में जो फीमेल्स रहती है, या फिर कोई मेल भी है तो उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, तो वो दोपहर में सोना है उनका, और ज्यादा मीठी चीजें खाना है, मीठी बहुत बार ना यहाँ पे ऐसे भी मैंने देखा है कि जैसे लड्डू का पूरा डब्बा आ जाता है, वो पूरा का पूरा खत्म कर लेते हैं, कोई भी मिठाई आ रही है बहुत ज्यादा खाना, ये देखा है मैंने, पिज्जा का इंटेक ज्यादा है, या फिर चीज इंटेक है, पनीर का इंटेक बहुत ज्यादा मिलता है संतरपन वाले में, और ये लोग ना मोस्ट ऑफ आलसी दिखते हैं, कि काम करना ज्यादा पसंद नहीं होता है, थोड़ा भी काम करते हैं और लेट जाते हैं, या बैठ जाते हैं एक जगह पे मोबाइल लेके, या फिर टीवी देख रहे हैं बहुत, ऐसे ही मिलते हैं। और जो अपतर्पण वाले जो लोग मिलते हैं सर, इसमें चिंता ही कारण दिखता है, किसी भी चीज की चिंता करते रहते हैं, जैसे घर में कोई बच्चे की शादी है उसके पीछे चिंता हो रही है, किसी को कोई एग्जाम देनी है उसके पीछे, जैसे बहुत सारे अर्ली जो डायबिटीज वाले आते हैं ना, जैसे 28-32 एज वाले, इनमें ये बहुत दिखता है अपतर्पण वाला, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल हाई है, कोई जॉब की वजह से आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इन लोगों को बहुत ज्यादा जॉब की स्ट्रेस रहती है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो वो 28, 30, 32, 35 तक आराम से मिल जाता है सर ये, कि उनमें ये हेतु तो जरूर मिलते हैं। जब भी कोई न्यूली पेशेंट आता है और बोलता है कि मुझे डायबिटीज हुआ है, तो उसको अगर वो अर्ली एज में आया है, जैसे मैंने अभी जो एज बोला है उसमें आया है, तो मैं जरूर पूछती हूँ कि कोई स्ट्रेस है क्या, तो स्ट्रेस फैक्टर तो मिलता है भी, उसका कारण कुछ भी हो सकता है उनके स्ट्रेस का, पर स्ट्रेस फैक्टर मिलता है सर। जी सर। हाँ, तो ये अपतर्पण जन्य भी आपको मिलता है और संतर्पण जन्य भी, ऐसे हेतु मिलते हैं आपको जी सर। जी। तो आप चिकित्सा कैसे करते हैं दोनों का, क्या मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दोनों का कैसा रहता है? सर मैंने अभी तो ये आप मैंने अभी पहली बार सीखा कि वसंत कुसुमाकर को अपतर्पण जन्य व्याधियों में, मतलब क्या अपतर्पण जन्य प्रमेह में यूज, मधुमेह में यूज, हम क्या, सॉरी कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं। बराबर बराबर बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये हम यूज करते हैं, ये पहली बार ही मैंने आपसे क्लियर हुआ है मेरा ये पॉइंट, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसे नहीं सोचा था कभी भी। मैं वसंत कुसुमाकर दोनों ही डायबिटिक पेशेंट में चलाती थी, मुझे जब भी कभी 600-500 जो ब्लड शुगर लेवल हाई मिलती थी वहां पे, तो वहां पे मैं वसंत कुसुमाकर वंग भस्म जरूर देती थी, और मुझे रिजल्ट अच्छे आते थे, पर मैंने ऐसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं किया कि इसको इसमें देना चाहिए। अभी शायद मैं करूंगी, आपने पढ़ाया है तो मैं करूंगी जरूर यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये जरूर किया है कि उसको अगर संतर्पण के वजह से है, मोटा पेशेंट है संतर्पण के वजह से है, तो उसमें मैंने कुछ लेखन मेडिसिन भी ऐड की है, जैसे कि मैं त्रिफला गुगल दे देती हूँ, या फिर आरोग्यवर्धिनी ऐड कर देती हूँ, तो ऐसे जरूर किया है, पर ऐसे नहीं किया था कि अपतर्पण के लिए स्पेशली वसंत कुसुमाकर ऐड करो। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हो सर आप, थैंक यू सो मच। इसीलिए तो हम ये पढ़ते हैं कि हमारा और चिकित्सा परफेक्ट हो, रोज नया नया कुछ सीखें हम लोग। बहुत बहुत ही अच्छा सिखाते हो सर, बहुत, मतलब वो दिमाग में रह जाता है, ऐसे लगता है कि सेव हो गया, अभी ये डिलीट ही नहीं होने वाला, थैंक यू सो मच सर। आप लोग में से और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू मैम कंचन मैम, मैं और कुछ बताना चाहता हूँ, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं आपको और कुछ बताऊंगा जो आप लोग के काम आने वाला है। ये सब चिकित्सा के सिद्धांत, या तो द्रव्य बता दिए चार पांच, ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं होना चाहिए, हमारा चिकित्सा का सिद्धांत और परफेक्ट होना चाहिए। अभी मैं बोलता हूँ, आप लोग फिर बोलिएगा। इसमें हम लोग अगर देखते हैं, चरकाचार्य जी क्या बोलते हैं, बहु द्रव श्लेष्मा दोष विशेषः, जहां पे बहुत ज्यादा द्रवयुक्त श्लेष्मा बढ़ जाता है, द्रवयुक्त कफ दोष बढ़ जाता है तो वो प्रमेह हो जाता है। बहु अबद्धम मेदो मासम च शरीरज क्लेदः शुक्रम शोणितजम च वसा मज्जा लसिका रसौज संख्याता दुष्य विशेषः। अभी मैं जो भी पढ़ रहा हूँ ने मराठी बुक से पढ़ रहा हूँ, इसमें बोल रहे हैं कि बहुत बहुत सारे अबद्ध मेद के जो भी ये सेल्स होते हैं, मांस होता है, शरीर का क्लेद होता है, शुक्र शोणित वसा मज्जा लसिका रस और ओज, ये जो 10 दुष्य हैं ये इसके विशेष रूप से दुष्य होते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, बहुत मात्रा में अबद्ध मेद मांस शरीर का क्लेद शरीर का शुक्र शोणित वसा मज्जा लसिका रस धातु और ओज, ये 10 दुष्य रहते हैं विशेष रूप से।
त्रयाणम मेषम निदानादि विशेषाणम सन्निपाते शिप्रम प्रको शिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। ये तीनों दोष जो प्रकोपित होते हैं वात पित्त कफ, उसमें खासकर तीनों दोषों के में खासकर जो श्लेष्मा है शिप्रम प्रकोपम आपद्यते, शिप्र मतलब तुरंत ही कफ दोष है वो प्रकोपित हो जाता है। सक प्रकोपिता शिप्रमेव शरीर विस्तृप्तिम लभते, मतलब ये जो श्लेष्मा है वे विकृत होने के बाद पूरे शरीर में पसरने लगता है। शरीर शैथिल्या शरीर को शिथिल करता है, लूज करता है, जिस तरह से बाढ़ का पानी पूरा बॉडी में पानी 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 जो बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसा चरकाचार्य जी ने कहा है। दूसरा चरक चिकित्सा अध्याय सातवां में और बता रहे हैं, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्योदका अनुपर रसाह पयांसी नवान्न पानम गुड़ व्यकृतम च प्रमेय हेतु कफकृत च सर्वम। मतलब आस्य सुखम दिन भर बैठे रहना सोते रहना, स्वप्न सुखम गद्देदार उधर बैठे रहना मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, दही का सेवन ज्यादा करना, ग्राम्य आहार का सेवन करना, पानी वाले जो प्राणी है उनका मांस का सेवन करना, अनुप मांस का सेवन करना, दूध का सेवन ज्यादा करना, नवान्न पानम दूध और दही का सेवन करना, फिर नए अन्न का सेवन करना, गुड़ व्यकृतम गुड़ के विकृति या गुड़ का सेवन ज्यादा करना, ये प्रमेय हेतु ये बताए। जो लोग बहुत ज्यादा मिठाइयां वगैरह खाते हैं उनको जरूर प्रमेह व्याधि हो जाती है। फिर बोल रहे हैं कि मेदश्च मांसम च शरीरम च क्लेदम कफोबस्ति गधा प्रदुष्य शीणेशु दोषेशु अवकृष्य धातुन संदुष्य मेहान कुरुते अनिलश्च। मतलब मेद धातु, सबसे पहले मेद धातु, क्योंकि कफ का एफिनिटी कहाँ रहता है तो मेद धातु पे रहता है, क्योंकि सेम एक जैसे ही रहते हैं, स्निग्धता बहुत ज्यादा रहती है। तो मेदश्च मांसम च मेद मास शरीर का क्लेद, ये सब बहुत सारे ये सारे दुष्य हैं, ये सब क्या करते हैं कि बस्ती में चले जाते हैं और वहां पे धातुओं को दूषित करते हैं और फिर ये आविल मुद्रता और बहुमुद्रता के रूप में ये अलग अलग जो कफज है 10 टाइप के, पित्तज है 6 टाइप के, वातज है 4 टाइप के, इस तरह से मूत्र प्रवृत्ति होने लगती है। फिर उसी तरह से वाग्भटाचार्य जी बोल रहे हैं कि एक स्थानासन रति शयनम, मतलब एक स्थान पे ही बैठे रहना, एक स्थान पे ही सब काम करते रहना, इससे जरूर ये हो जाता है। अभी आप देखिए कि अंजना मैम कितना भागदौड़ करती हैं, कभी यहाँ सीएमई है, कभी पढ़ाना है, कभी यहाँ है, कभी वहां है, तो मैम को थोड़ी ना होगा प्रमेह, क्योंकि मैम इतना एक्टिव है फिजिकल भी मेंटल भी। इस तरह से होना चाहिए कि एक ही जगह पे बैठे नहीं रहना है, अति भी नहीं होना चाहिए, अति संक्रमण भी नहीं होना चाहिए, हर चीज हिसाब से होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि प्रमेह व्याधि जो होता है ये कारण जो कारण का सेवन किया जाता है, हेतुओं का सेवन किया जाता है, तो कफ के गुणता वृद्धि हो जाती है, कफ के गुणों की वृद्धि हो जाती है, और कफ का वृद्धि का आहार विहार जो है एक या दो दिन का नहीं होता है, एक दो महीने का नहीं होता है, यह सतत वर्षानुवर्ष 1 से 2, 4, 5, 10 साल तक चिरकाल तक चालू रहता है। और सबसे पहले शरीर जो होता है उसको प्रतिकार करने का कोशिश करता है, जब ये प्रतिकार नहीं हो जाता है तो शरीर का बल जो है वो थक जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा आहार विहार वैसा ही किया जा रहा है। फिर उससे क्या होता है कि कफ भूष्ट आहार जो है वो शरीर में जाएगा तो आम उत्पत्ति करेगा, कफ दोष की उत्पत्ति करेगा और मेद धातु को दूषित करना शुरू करेगा, क्लेद को बहुत ज्यादा बढ़ेगा, स्त्रोतोरोध को बहुत ज्यादा करेगा और शरीर में एक तरह से शीत धर्म का शरीर एक तरह से ठंडा हो रहा है, एक तरह से अग्नि जो है धातुअग्नि लेवल पे, भूताग्नि लेवल पे, जाठराग्नि लेवल पे अग्नि कम हो रहा है और शरीर में ठंडापन बढ़ रहा है, शीत धर्म बढ़ रहा है और कफ या जो है वो आप महाभूत से ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है, तो कफ जो है जन्मजात शीत रहता है और रसनेन्द्रिय से लेके अगर हम लोग देखें आपको तो वो ठंडा लगता है। तो ये शीत गुण इतना धीरे धीरे बढ़ते रहता है और आमाशय में ये आने के बाद वहां जो शीत गुण है कफ के साहचर्य से शरीर में ठंडापन करता है और जो शरीर रूपी भूमि है वहां पे आ जाता है और उसका इफेक्ट क्या होता है कि अन्न के संघात जो है पचन की क्रिया में मधुरावस्था पाक जो है उसको विकृत करने लगता है। तो मधुरावस्था पाक जब विकृत होने लगता है, अन्न का संघात जो है वो टूटना कम हो जाता है, पचन ठीक से नहीं हो पाता है, तब ये अपक्वावस्था में जो कफ है आम जो है वो कफ में मिल जाता है। तो इस तरह से सकफ साम जो है मतलब आम और कफ ये जब मिल जाता है तो साम कफ की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। जब साम कफ की उत्पत्ति होने लगती है
मतलब यहाँ पे मधुर अवस्था पर विकृत होने लगता है। अभी इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग अगर ना क्या करें कि जैसे कि कोई चीनी और पानी है, इसको हमने पानी चीनी शरबत है बहुत दिन तक रखा, तो नीचे धीरे 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 चीनी जमा होने लगता है, मतलब 1 महीना रख दिया, 2 महीना रख दिया, इस तरह से मधु को रख दिया, शहद को रख दिया, तो क्या होगा, मधु फिर जमा होने लगेगा। इसी तरह से केले का जो पानी है, केले के जो अंदर का तना का पानी है उसको रख दिया, तो उसमें घन भाग मिलने लगता है। उसी तरह से यहाँ पे जब द्रव रूप श्लेष्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शीत गुण से बढ़ जाता है, तो वो शरीर में दुष्टि करने लगता है, और बहुत द्रव श्लेष्मा जो आप महाभूत प्रधान है उस पे अग्नि मंद हुआ रहता है, वह अग्नि अपना कार्य नहीं कर पाता है, अग्नि का संस्कार नहीं हो जाता है, तो प्रमेह जैसा बड़ा महाव्याधि कर देता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जमा हो रहा है, एक्स्ट्रा चीज जमा हो रहा है जो शरीर को नहीं चाहिए। अब इसमें हम लोग चिकित्सा अगर करते हैं तो पहले हमें कुछ कुछ चीजों का विचार करना चाहिए। पांच भौतिक चिकित्सा में वैद्य दातार शास्त्री जी ने कुछ 12 पॉइंट बताए हैं कि हमें क्या क्या सोचना चाहिए, और फिर उसका इलेबोरेशन हम लोग कल करेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि पहले तो पचन संस्था, और पचन संस्था पे जो क्लेदक कफ जो है उसका, क्लेदक कफ जो विकृत द्रव गुण से बढ़ गया है, क्लेदक कफ या शीत गुण से बढ़ गया है, उसका आवरण जो हो गया है पचन संस्था पे, वह उसका विचार सबसे पहले करना चाहिए। दूसरा बता रहे हैं, दूसरा पॉइंट है कि बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष, इसका हमें विचार करना चाहिए। फिर बहुद्रव श्लेष्मा है उसकी व्याप्ति, मतलब कितना वो फैल गया है दोष, मतलब स्रोतसों में कितना फैल गया है, सब जगह कितना फैल गया है, वो व्याप्ति पे विचार करना चाहिए। उसी तरह से ऋतु देखना चाहिए हमें, कौन सा सीजन है, और प्रकृति कौन सी है, प्रकृति के हिसाब से व्याप्ति कितना ज्यादा शरीर में हो गया है वह देखना चाहिए। उसी तरह से अनुकूल भूमि जैसा रोगोद्भव हो रहा है क्या, मतलब अनुकूल भूमि वैसा मिल रहा है शरीर के रूप में, तभी रोगों की उत्पत्ति हो रही है। मीठा तो बहुत सारे लोग खाते हैं और आस सुख स्वप्न सुख सब करते हैं, लेकिन प्रमेह सबको नहीं होता है। अगर वो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं थोड़ा सा भी सुबह और शाम, और बाकी वो टाइम बैठे रहे तो ठीक है ना, उनका अग्नि अच्छा है तो उनको नहीं होगा ये चीज। तो अनुकूल भूमि से रोगोद्भव हो रहा है क्या, तो भूमि शरीर को हमें देखना चाहिए। फिर छठवां पॉइंट है कि अन्न की अपक्वावस्था, अन्न पच रहा है कि नहीं पच रहा है, भूख लग रही है सबको लग रही है, लेकिन अन्न कितना पच रहा है, सार्किट विभाजन कितना हो रहा है, मल प्रवृत्ति कैसी हो रही है, तो अन्न की अपक्वावस्था पे ध्यान देना चाहिए। फिर सातवां पॉइंट है कि बहुद्रव श्लेष्मा और पृथ्वी महाभूत, इसको देखना चाहिए। उसके बाद में आठवां पॉइंट है कि जब पानी 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 ज्यादा जमा हो रहा है स्रोतों में, तो एक तरह से सड़न पैदा हो रही है, हमारे सर बताते हैं जो सड़न है, डायबिटिक्स जो पेशेंट वाले प्रमेह रोगी जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, तो पहले आम कच्चा रहता है, फिर पकता है, फिर सड़ता है, तो एक तरह से सड़न होने लगती है। उसी की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर डिजनरेशन होने लगना है, फिर किडनी में परिणाम होता है तो किडनी फेलियर होता है, फिर मतलब शरीर में एक तरह से सड़न होने लगते हैं सभी ऑर्गन्स में, जितने भी नर्व्स हैं और जितने ऑर्गन्स हैं। उसी तरह से द्रव भाग बढ़ गया तो अतिसार क्यों नहीं होता है, वह मूत्र से ही क्यों निकल रहा है, यहाँ पे आविल मूत्रता बहुमूत्रता क्यों रही है, लूज मोशन क्यों नहीं लग रहा है, इसका विचार करना बहुत जरूरी है। फिर जब शरीर को हम पूरी तरह से नॉर्मल कंडीशन में नहीं लाएंगे, तब तक पूरी तरह से ठीक करना बहुत ही मुश्किल है, केवल शुगर लेवल कम कर देना तो ये नहीं होता है, पूर्व स्थिति में जब तक नहीं लाएंगे वो व्याधि ठीक नहीं होगी, ये 10वां पॉइंट है। 11वां पॉइंट है कि व्याधि में दोषों का बाहुल्यता और उनका स्थान क्या है वह जानना बहुत जरूरी होता है। और 12वां पॉइंट है कि मधुमेह जो है, सब प्रमेह मधुमेह में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों मधुमेह ही हो जा रहे हैं, वो मधु के समान मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, क्यों शुगर लेवल बढ़ रहे हैं, आयुर्वेद के हिसाब से पांच भौतिक के हिसाब से क्या है दृष्टिकोण, इस पे विचार करना चाहिए। तो हम लोग एक एक पॉइंट कल करेंगे, इसको बहुत टाइम लगेगा। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नहीं है क्या आज? अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए। आप लोगों ने मधुमेह के पेशेंट या प्रमेह के पेशेंट किस तरह से देखे हैं? डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपका बहुत ही नॉलेज है पेशेंट का, तो आप कृपया बताइए। जी सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। नहीं, पेशेंट कैसे देखे हैं वो बताइए। सर नहीं सर, पेशेंट अब से पहले मैं आयुर्वेद पे आया नहीं हूँ ना सर, अभी आने शुरू हुआ सर।
ठीक है, लेकिन मतलब कुछ अनुभव तो बताइए कि कैसे मधुमेह के पेशेंट आते हैं आपके पास। नहीं सर, मेरे को आयुर्वेद का आप भी शुरुआत ही किया है सर, मैं इसीलिए तो आपके साथ जुड़ा हूँ सर। जी मैंने सिर्फ अभी दो ही सर आम बात के दो पेशेंट चल रहे हैं बस वही, उसके अलावा अभी मधुमेह पे मैं आया नहीं हूँ सर, सारा का सारा मॉडर्न चल रहा है सर। जी ठीक है, हम इस पे और भी बात करेंगे। वो जो जी मैंने 12 पॉइंट किए उस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, एक ही दिन में नहीं होगा क्योंकि बहुत डीप विषय है। हाँ राजेंद्र सिंह जी आप बताइए सर। ज्ञानी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? ज्ञानी जी आपने हैंड रेज किया है सर। सरदार जी हेलो सर, नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, बताइए। सभी वैद्यजनों को मेरा प्रणाम। सर बहुत बढ़िया आपने बताया है, और मैं खुद मतलब प्रमेह मेरे को हुआ हुआ है 2015 से, और उसका जो बहुत बढ़िया हमारे खानदान में नहीं था, चिंता के कारण ही हुआ मेरे को, टेंशन की वजह से ये जो है। और अब मैं अब एक बसंत कुसुमा का रस वगैरह, जहाँ आपका ही जो बताया हुआ है ना, जो लेक्चर सुन के उसमें से दवाई बना लेता हूँ। मैं 27/8 को शुरू किया था, अब मेरा मतलब शुगर, उससे मेरा शरीर बिल्कुल ठीक रहने लगा, मेरे पैरों में भी मतलब सही रहता नहीं, पैरों में जलन होती है, जो होता है ना शुगर पेशेंट होता है। मतलब है तो इंसुलिन मैं लगाता हूँ, मगर मेरी इंसुलिन टेपर डाउन हो रही है सर, जी और मैं ठीक हूँ। तर्पण जन्य है कि संतर्पण जन्य वाले हैं? सर मैं मतलब पहले 85 किलो था, ओवरवेट हो गया था पहले मैं, मगर अब मैं क्रिश्चपर में ही हूँ, मैं 60 किलो के करीब हूँ, अच्छा 54 kg रह गया था मेरा। फिर 2018 में डॉक्टर जो एलोपैथी वाले बोले भी आप इंसुलिन लगाना शुरू करो। पहले मैं 42 यूनिट पर पहुंच गया था दोनों टाइम, मतलब 16 सुबह लगाता था, 12 यूनिट रात को शाम को, जी और अब मैं 28, 26, 27 जब चेक करके उसके हिसाब से 1-2 यूनिट कम कर लेता हूँ जैसे भी होता है, और जी मैं ठीक हूँ, मेरे को नींद भी बढ़िया आती है, और अब मैं अब अच्छा फील करता हूँ आयुर्वेद से ना साथ में। तो मतलब बसंत कुसुमाकर आप त्रिष्प्रमी हैं तो आपको ताकत आ रही है? हाँ सर, मैं वो आपके ही जो बनाए हुए फार्मूले है ना, आप जैसे मतलब आपका बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण बहुत बढ़िया होता है, हमको रीडिंग नीचे नहीं लाना, रोगी को ठीक करना है, मतलब रोगी फील अच्छा करे, वो चीज मैं खुद अपने आप पे अनुभव कर रहा हूँ, जी ये चक्कर है। वैसे तो मेरी रीड आज मैं रोटी के 2 घंटे बाद चेक कराई तो जी 250 थी, कभी मेरी 400-500 भी हो जाती है, मगर मेरा मेरे को सुबह 4 बजे आप चाहे ग्रुप में भी देख लो, सबसे पहले प्रणाम मैं ही करता हूँ, हाँ और उसके बाद मैं सैर पे चला जाता हूँ, 2-3 किलोमीटर दौड़ भी लेता हूँ, जी 5-6 किलोमीटर चलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, पर मोबाइल मैं साथ में लेके नहीं जाता, साथ क्योंकि क्लास होती है आके ज्वाइन करता हूँ, जी और उधर पार्क में प्राणायाम योगा वगैरह सब कुछ करता हूँ मैं सर। जी उधर ही एक गुड़मार का लगा हुआ है, तुलसी लगी हुई है, तुलसी के पत्ते तो मैं ले आता हूँ, चाय में डाल लेता हूँ सुखाकर, जी जैसे भी है, गुड़मार हुआ, आंवला हुआ, उन सब के पत्ते वगैरह धो के वही उसको खा लेता हूँ, दातुन वगैरह करता हूँ, नीम की या जामुन की दातुन है, और जो पीपल की दाढ़ी होती है उसका भी दातुन कर लेते हैं सारा, ऐसा यानी जो देसी आयुर्वेद फार्मूला साथ में लगा के चलता हूँ। जी ठीक है। अभी मुझे और भी इसमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो एक एक पॉइंट को कवर करने में एक एक घंटा लगेगा, इसमें बोल रहे हाँ सर, हैं। बहुत बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं, और आगे भी मैं सीखूं, सभी सीख रहे हैं, और जो नहीं भी, अब देखो आप बताते हो भी कितने मेरे को 8-9 हजार जो लोग हैं डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट पता नहीं कितना लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सर सर इसमें पचन संस्थान पे कैसे आवरण? हाँ बोलिए बोलिए मैम। हाँ सर, मतलब इनका जो वेट कम हुआ है तो ऐसे पेशेंट बहुत मिलते हैं सर, 18-18, 20-20 किलो वजन कम हो जाता है, तो इसको हम कैसे समझे कि जैसे अभी ये संतर्पण से तो हुआ होगा, फिर ये पूरा जो वेट रिडक्शन हुआ है तो अभी अभी की जो स्टेज है तो अभी हाँ इसके लिए क्या बोला है मधु?
बोलिए सर। हाँ मैं बताता हूँ, इसका उत्तर मैं देता हूँ। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि मधुमेह जो है, मधुमेह यह प्रमेह का अंतिम स्वरूप है। पहले प्रमेह जब शुरू होता है ना, तो वह कैसा बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि नदी जहां पे उगम पाती है, जैसे हमने गंगा जी का गंगोत्री देखा या यमुनोत्री देखा, तो जहां पे उगम मिलता है उसका, नदी का शुरुआत होती है, वहां पे बहुत छोटी नदी होती है, लेकिन वो जब सागर के पास जाती है, सागर का आलिंगन करती है, तब उसका जो पूरा ऐसे विस्तार देखिए कितना ज्यादा हो जाता है। आप लोग देखेंगे बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है तो कितना विस्तार हो जाता है पूरा, है ना। तो इसी तरह से जो मधुमेह है ये बहुत ज्यादा व्यापक रूप में शरीर पे नुकसान करती है, हर ऑर्गन पे, हर मसल्स पे, हर नर्व्स पे वो करती है। तो जब ये बोल रहे हैं कि मैं पहले 85 किलो का था, तो तब ना इनका शुरुआत थोड़ा थोड़ा हुआ, थोड़ा 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 करते 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 मधुमेह की अवस्था में व्याप्ति बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा इन्होंने बताया। हमारे पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं, जब मधुमेह बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव थर्स्ट लगता है, बहुत प्यास लगती है, बार बार यूरिनेशन होता है, हाथ पैरों में जलन होती है, वेट लॉस होता है बहुत ज्यादा, बहुत बार भूख लगती है उनको, ऐसे ही पेशेंट आते हैं। धातुक्षय पहले आवरण जन्य होता है, बाद में धातुक्षय होता है। तो ये आवरण जन्य से धातुक्षय तक ये जाने की अवस्थाएं क्या होती है, यही सब चीज हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। पाठक सर, सर बोलिए सर। हाँ पाठक सर, ये जो एलोपैथी वाले हैं ना, वो एक टाइप वन और एक टाइप टू, हाँ। जो मेरे को है, उन्होंने अपनी भाषा में इसको लाडा लिखा था, उसको 1.5 नंबर बोलते हैं, मतलब ये वेट पे असर करती है। उसका फुल फॉर्म तो मेरे को याद नहीं है क्या होता है, तो जो डॉक्टर था यहाँ पर, मतलब टाइप वन नहीं है आपको, टाइप टू ही है ना। टाइप टू भी नहीं सर, ये लाडा बोलते हैं ना, टाइप वन है ना टू है, ये वेट पे असर करती है ना, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं वो भी क्रिस्पर में ही होते हैं। हाँ, टाइप वन जो रहता है जुविनाइल डायबिटीज होता है। हाँ जी, हाँ जी, जिनको जन्मजात होती है वो नहीं है आपको। हाँ हाँ, नहीं मेरे को 2015 में डायग्नोज हुआ सर, और मैं तो रूट काज बताया आपको, मेरे को चिंता से हुआ है, टेंशन से हुआ है। हाँ तो इन्होंने बताया ना, आप तर्पण हो रहे तो बुद्धि इंद्रिय पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो आप इन्होंने भी बताया हमारे, बिल्कुल सही, ग्रंथाकारों ने तो बहुत बढ़िया बताया हुआ सर, कहने की बात ही नहीं है जी। हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, और किसी को कुछ बताने तो बता सकते हैं, बाकी तो क्योंकि एक एक पॉइंट लेने में एक दिन लगेगा पूरा, एक एक घंटे का हो सकता है, इस पे हम और एनालिसिस करेंगे, बहुत बड़े बड़े किताबें हैं ना ये, बहुत ज्यादा इस पे लेक्चर हो सकते हैं। अंजना मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी, आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं? अंजना मैम आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या स्त्री रुग्णों का, या फिर श्वेता मैम? नमस्ते सर, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्ते सर जी। सर बहुत अच्छा बताया सर आपने, और मेन यही डिवाइड डिवीजन जो आपने आज बताया, संतर्पण जन्य और अपतर्पण जन्य, इसी पे बहुत अच्छा वर्क भी होता है। और स्त्री प्रसूति रोग तो हमें लगता है जितने भी हमारे पेशेंट आर्थिक दृष्टि के आते हैं, चाहे वो स्कैंट्रीमेंस के हो रहे हो, चाहे ओलिगोमेनोरिया, मतलब जिसमें आर्तव छे हो रहा हो, या फिर आर्तव जो है वो एकदम कम हो रहा हो, या सब टाइप्स जो है वो अनार्तव भी हो रहा हो, और ये सारे केसे जो अगर आप हमने जैसे आज आपने बताया, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ी थी लेकिन मैं देख रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आपने पीडीएफ भेजी थी तो वही पीडीएफ में थोड़ा सा अध्ययन कर रही थी। तो इन्होंने जिस हिसाब से इसको बताया और आपने बहुत अच्छे से समझाया, जैसे अभी कंचन मैम ने भी एक पॉइंट बहुत अच्छा उठाया कि अब तर्पण जन्य है कि हो गया तभी हमें बसंत कुसुमाकर देना है, और ये आपने बहुत अच्छे से समझाया है, मुझे थोड़ा सा फिर से आपकी जो कहना चाहिए कि एक बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है सर कि जो आप बता दे रहे हैं, चाहे पांच भौतिक के आधार पे बता दे रहे हैं, या आप मॉर्निंग माधव निदान के आधार पे बता दे रहे हैं, या अष्टांग हृदय पे बता दे रहे हैं, या फिर अभी नेक्स्ट हमारा सेशन आने वाला है, गजब बताते हैं सर आप, सच में आप इतना अच्छा बता देते हैं कि अगर हम उसके बाद, जैसे आप कल सुबह कह रहे थे कि अंजना मैडम पहले से निदान खोल के बैठती थी, फिर बैठूंगी सर, कुछ समय थोड़ा सा चल रहा है मेरे साथ, थोड़ा सा आपने बहुत सारी संहिताएं लेके बैठती थी ना, तो इतना मजा आता था। मैं फिर बैठूंगी सर, कुछ समय बाद बैठूंगी, लेकिन ये है कि मैं अभी आप पढ़ा देते हैं, मेरे मन में जरा सा भी कुछ जो डाउट्स होते हैं या मुझे लग रहा है, तो फिर मैं अभी भी कोशिश करती हूँ, एक दो बार जरूर चरक से शिशु से देख लेती हूँ,
ऐसे ही देख लेती हूँ, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा पाती हूँ, लेकिन मैं देख लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप बता देते हैं और जो आपके गुरुजी ने आपको ज्ञान दिया है, वो अप्लाइड एस्पेक्ट जो आप बता देते हैं वो सच में, वो उसको दोबारा से कहीं याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सीधे जब हम पेशेंट को दवा लिखते हैं तो जैसे लगता है कि आपके वाक्य हमारे कानों में, हमारे मस्तिष्क में गुंजायमान हो रहे हैं। और इसके लिए आप बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ना, आपको सुनना, और पेशेंट के हित में आप सारी बातें करते हैं, तो लगता है कि हम लोग सच में बहुत भाग्यशाली है आपसे जुड़े हुए हैं, और आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रवीन जोशी सर ने दिया हुआ है हम लोग को, जो जो सुन पाते हैं डायरेक्ट भी मिल पा, मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग आपके बाद में रिकॉर्डिंग्स भी सुनते हैं, तभी आप देखते हैं इतना लंबा लंबा आपके पास स्कोर रहता है कि लोगों ने सुना, और लोग लगातार सुन रहे हैं इसको जब जिसको मौका लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका ज्ञान वर्धन कर रहे हैं आप, और वो मरीजों के हित के लिए हो रहा है, डायरेक्ट सारा का सारा उसका फल जो है वो आपको मिल रहा है, और बहुत अच्छे से चल रहा है सब। कैसे कैसे हमने मेडिसिन कहाँ कहाँ किस तरह से लिखनी है, हमसे कभी भी कोई पूछ सकता है कि आपने ये मेडिसिन यहाँ क्यों है सोच के लिखी, तो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन हमारे माइंड में आ जाता है कि हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। क्या हम ही अपने को ही समझाते हैं कि हाँ यहाँ पर ऐसे करते हैं तो यहाँ पे ये फायदा होगा, इसलिए हमने ये मेडिसिन लिखी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगता है आपको अभी सुन। कंचन मैम ने एक क्वेश्चन पूछा ना कि वसंत कुसुमाकर तो मैं कृष प्रमेय में भी देती हूँ, स्थूल में भी देती हूँ, तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे यही सीरीज में प्रमेय में, कि जी वसंत सर, कुसुमाकर का ठीक क्या रोल है और क्यों देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, है अंशांश। जी, बसंत, हाँ बसंत योग के बारे में आपने पहले भी अच्छे से बताया, एक बार फिर से बताएंगे तो सब लोग का और भला होगा। जी सर, जी हाँ ठीक है, ये क्या है ना, शास्त्र ऐसा है ना कि बार बार पढ़ना पड़ता है फिर नया कुछ और सीखने को मिलता है, बार बार पढ़ना पड़ता है जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। आशा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं, आप कुछ बोलिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं, फिर कल और अच्छे से करेंगे अलग अलग टॉपिक से, यही जी सर, प्रमेय को ही खाना पढ़ेंगे। हाँ खाना बन रहा है सर, बिजी हूँ। खाना बन रहा है, वाह ठीक है ठीक थैंक है। यू सर। देखिए आशा मैम कितना मतलब कर्तव्य पूरा कर रही हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं, ऐसा लोग होना चाहिए कि अपना फैमिली भी संभालो, पढ़ाई भी करो, सब कुछ करो। सर आपकी क्लास छोड़ने का दिल ही नहीं करता। हाँ मुझे भी नहीं करता है, जैसे मैं जब बीएमएस कर रहा था ना, तो जैसे शराबी होता है वो उसको जैसे बोलते हैं ना मध्य मधुशाला में चला जाता है, वैसे ही ना हम सर के क्लिनिक में चले जाते थे, वैसे ही पढ़ाई करने का इतना वो होता है ना कि इसके बिना मन ही नहीं लगता है, एडिक्शन है पढ़ने का सर यही नशा अब हमें हो गया सर। जी। हाँ डॉक्टर श्वेता मैम कुछ बोलेंगी क्या, श्वेता मैम आप भी पढ़ रहे हैं पांच भौतिक का, आपका क्या कॉन्सेप्ट है श्वेता नहीं, अख्तर तो वाला मैम। अभी सीख रही हूँ, मैंने बुक्स मंगाई हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, और दोनों मतलब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें और पांच भौतिक साथ में कैसे ये कर सकते हैं को ना, तो रिलेट कर रहे हैं, हाँ हाँ, है तो ना, उस हिसाब मैं से अगर आऊंगा मैं फेसबुक लाइव पे पढ़ा के चले जाऊंगा, तो वो नहीं होता है, डिस्कशन का मतलब होता है कि आप भी कुछ बोलिए, आप भी कुछ बोलिए, आप भी कुछ बोलिए, तो इससे जो साथ में जो संभाषा होती है ना उससे कुछ नया चीज सीखने को मिलता है सबको। यस सर, यस सर। बस ये थोड़ा सेशन 7 बजे हो जाता है ना, तो एकदम स्टार्ट नहीं करना होता तभी, पर मैं बाद में फिर सुनती हूँ आपका ये लेक्चर। ठीक है तो अभी हम कल मिलेंगे और 8:15 बजे क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन होगा, उसमें हम मिलते हैं और यही प्रमेय का कल, और एक एक जो 12 पॉइंट बताए वो एक एक पॉइंट पे चर्चा होगी रोज डेली डेली। थैंक यू जी, सभी लोगों को, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू सर, प्रणाम नमस्कार सर। प्रणाम।